नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हमें हम बात करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ठीक है, हमें बताना है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो कुणिक कहा जाता था वह कहा जाता था अजातशत्रु को। ठीक है, तो अजातशत्रु को क्यों कहा जाता था? क्योंकि अजातशत्रु के बचपन का नाम था कुणिक। ठीक है, ये बचपन का नाम था कुणिक, इसलिए हम अजातशत्रु को कभी कभी कुणिक के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, लेकिन यह मृत्यु कहाँ हुई थी ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है फारस में, ऑप्शन बी है बेबीलोन में, ऑप्शन सी है मैसिडोनिया में और ऑप्शन डी है तक्षशिला में। तो इसका जो सही आंसर है वह है बेबी लोन में। ठीक है, तो जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की जो मृत्यु है वह बेबी लोन में हो गई थी। आगे बढ़ेंगे कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज और ऑप्शन डी धान्य कटक। तो इसका जो सही आंसर है वह है अवंतिका। ठीक है, तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वह था अवंतिका और उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अवंतिका तो इसका प्राचीन नाम है ही, इसको एक और प्राचीन नाम से जानते हैं उज्जैनी। ठीक है, और जो उज्जैन है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि जो उज्जैन शहर है या उज्जैन है यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अवंतिका और उज्जैनी इसका पुराना नाम है और राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि उज्जैन राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। उज्जैनी और अवंतिका इसका पुराना नाम है और क्षिप्रा नदी के किनारे यह स्थित। आगे बढ़ेंगे कि नंद वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, नंद वंश इसका संस्थापक हमें बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर है वह है महापद्म नंद। ठीक है, तो नंद वंश का जो संस्थापक है वह महा पद्म नंद है। अगर इसके अंतिम शासक की बात करें तो नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। तो यह दोनों नाम आपको याद रखना है, महापद्म नंद ये है नंद वंश का संस्थापक और नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। तो यह दोनों नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ठीक है, हमें बताना है कि प्राचीन भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ वह किसके द्वारा हुआ। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा और ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ईरानियों द्वारा। ठीक है, तो प्राचीन भारत का जो पहला विदेशी आक्रमण है वह हुआ ईरानियों द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है। ठीक है, 16 महाजनपद थे तो उनकी जो सूची है वह किसमें उपलब्ध है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में और ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका जो सही आंसर है वह अंगुत्तर निकाय में। जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अब यह अंगुत्तर निकाय क्या था? तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है और इसी में 16 जो महाजनपद थे उनकी सूची
उपलब्ध होती है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। ठीक है, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला यह किस राजा को कहा जाता था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिम्बिसार। ठीक है, तो बिम्बिसार को कहा जाता था नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, क्योंकि बिम्बिसार ने जो सेना थी उसको नियमित किया और स्थायी किया, इसलिए बिम्बिसार को ही नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को पहले बितस्ता नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बितस्ता नाम से किस नदी को जाना जाता था यह हमें बताना है। ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी भरतपुझा। तो इसका जो सही आंसर है वह है झेलम। ठीक है, तो जो झेलम नदी है इस नदी को पहले जाना जाता था बितस्तता के नाम से, तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किस शहर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की। तो किस शासक ने की थी यह हमें बताना है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी उदयन। ठीक है, तो उदयन ने सोन और गंगा इन दोनों नदियों के संगम पर एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र क्या है, यह जो वर्तमान का पटना है इसी का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसी उदयन ने क्या किया था कि जो इसकी राजधानी थी इसको राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया था, इसलिए इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और फिर अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया था। और जो अभी इसका नया नाम है वो है पटना, और पटना क्या है, पटना बिहार राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि किस नदी के किनारे सिकंदर एवं राजा पोरुष के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, सिकंदर और राजा पोरुष के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था यह हमें बताना है। ऑप्शन ए रावी के, ऑप्शन बी झेलम के, ऑप्शन सी सतलज के और ऑप्शन डी चिनाब के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है झेलम के। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे राजा सिकंदर और राजा पोरुष के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो सिकंदर था वह विजयी हुआ था और राजा पोरुष क्या हुआ था, इसमें हार गया था। लेकिन जो सिकंदर था, जब राजा पोरुष को इसने पराजित किया, लेकिन राजा पोरुष की जो साहस था इससे बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर राजा पोरुष के साहस से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा पोरुष का जो सारा राज्य है वो वापस कर दिया। ठीक है, जीता भले ही सिकंदर था लेकिन उसने उसकी साहस से प्रभावित होकर राजा पोरुष का सारा राज्य वापस कर दिया और इसी कारण जो राजा पोरुष थे वह सिकंदर के सहयोगी बन गए थे। तो यह भी आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।